पर जिहड़ा किसान मोर्चा सी असीं किसे दी सपोर्ट लई नहीं सी लाया और ना ही किसे किसान आगू दा मुल खरीदिया होया करना। एक पासे जे किसे दी इन्नी धड़क मोर्चाबंदी हैगी आ तां ओह जोगिंदर सिंह ओगराहां दी। कहिंदे आ कि लाल किले ते झंडा चढ़ाया कोई गलत नहीं क्योंकि लाल किला तां इन्हां दा है ही नहीं। राकेश टिकैत दे भरा दी इंटरव्यू सुनी के कुछ तेरां विचों गलत ने ते जो असीं कहिंदे आ साडी गल्लां जिहड़ियां ने हुण सिद्धियां लोकां दे सामने प्राथमिकता दे तौर ते सही साबित हो रहीआं ने। 6 महीने हो गए ने, अद्धा साल हो गया सानूं बार्डरां ते बैठिआं, सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जिन्हें सरकार नूं हिलाया, रोज़ सीगा 26 जनवरी। उदण उत्थे ही बह जांदे, उत्थे ही रुक जांदे, उत्थों ना हिलदे। लाल किले तों ही कम चलदा ते मेरे हिसाब नाल फतेह अपनी झोली सी। सारिआं ने काले झंडे लाए, आपां तां भई अज केसरी केसरी होए पए आ। जदों साडे लीडर जाके कहिंदे आ ना कि सरकार जी गल करो, उदों दुख लगदा कि साडे कोल इन्नी क्षमता नहीं हैगी, असीं इन्नी स्ट्रोंगली अगे वध नहीं सकदे कि सरकार नूं मजबूर होके गोडिआं पर नहीं आण के साडे कोल कहना पवे कि हे आम जनता, हे एक लोकतांत्रिक नायको, आओ ते साडे नाल मीटिंग करो। यार असी धरना लाया, असी सरकार दे तरले करांगे ते सरकार फिर सानू ओह ही देगी जो उहदे दिल दे विच होएगा। जे थां ते किते मोर ना दब आयो जिहदे नाल किसानी दी रीढ़ दी हड्डी टुटे, क्योंकि जे तुसीं ओह तोड़ी ते लोकां ने तुहानू नहीं बख्शना। जे तुहानू सहयोग दी लोड़ आ, लखा तुहाडे नाल आ, दीप नूं आवाज़ मारो, जिन्ने बंदे चाहीदे आ असीं अंदोलन च पहुंचदे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं वीर दविंदर ते अज आपां गलबात करन लगे हाँ किसान मोर्चे प्रति। बड़े वीर भाई ना ताने मेने मारदे आ, गल्लां करदे आ, जदों उन्हां सारिआं नाल मैं गल करनी चाहुंदा। देखो, हर कोई किसे ना किसे दी सपोर्ट करदा, पर जिहड़ा किसान मोर्चा सी असीं किसे दी सपोर्ट लई नहीं सी लाया और ना ही किसे किसान आगू दा मुल खरीदिया होया करना। हाँ, एक पासे जे किसे दी इन्नी धड़क मोर्चाबंदी हैगी आ तां ओह जोगिंदर सिंह ओगराहां दी। अज जदों टिकैत हुणी कहिंदे आ कि लाल किले ते झंडा चढ़ाया कोई गलत नहीं क्योंकि लाल किला तां इहनां दा है ही नहीं। राकेश टिकैत दे भरा दी इंटरव्यू सुनी के कुछ तेरां विचों गलत ने ते जो असीं कहिंदे आ साडी गल्लां जिहड़ियां ने हुण सिद्धियां लोकां दे सामने प्राथमिकता दे तौर ते सही साबित हो रहीआं ने। मैं एक गल कहूंगा दोस्तों, जिंदगी चार दिनां दी, जियो इहनूं खुल दिली दे नाल, मिच मिच के जीना, घुट घुट के जीना उहनां लोकां दी काम है जिन्हां ने चालां चलणियां जां गलत गल्लां करनियां। अज 6 महीने हो गए ने, अद्धा साल हो गया सानू बार्डरां ते बैठिआं, सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जिन्हें सरकार नूं हिलाया, रोज़ सीगा 26 जनवरी। उदण उत्थे ही बह जांदे, उत्थे ही रुक जांदे, उत्थों ना हिलदे। लाल किले तों ही कम चलदा ते मेरे हिसाब नाल फतेह अपनी झोली सी। पर खैर, जे अपने कोल समा है ते आपां अगाहां वी झंडे कढ़ांगे, जित्तां प्राप्त करांगे, क्योंकि जित्तां जिहड़ियां ने उह अपने हथ वस ही आईआं ने, जनता दे हथ वस। लोकतंत्र दे विच जित आम जनता दी हुंदी आ। सारिआं ने काले झंडे लाए, आपां तां भई अज केसरी केसरी होए पए आ। रोज़ किस गल दा मनाई है कि सरकारां ने सानू इंसाफ नहीं दिता, कि जां फिर सानू इंसाफ लैणा नहीं आया। जदों साडे लीडर जाके कहिंदे आ ना कि सरकार जी गल करो, उदों दुख लगदा कि साडे कोल इन्नी क्षमता नहीं हैगी, असीं इन्नी स्ट्रोंगली अगे वध नहीं सकदे कि सरकार नूं मजबूर होके गोडिआं पर नहीं आण के साडे कोल कहना पवे
कि हे आम जनता, हे एक लोकतांत्रिक नायको, आओ ते साडे नाल मीटिंग करो। यार असी धरना लाया, असी सरकार दे तरले करांगे ते सरकार फिर सानू ओही देगी जो ओहदे दिल दे विच होएगा। यह जिहड़े आगू तरले मिंतां ते उतरे ने, उहनां नूं मैं नसीहत देनी चाहुंना, किते इहो जिहे थां ते किते मोर ना दब आयो जिहदे नाल किसानी दी रीढ़ दी हड्डी टुटे, क्योंकि जे तुसीं ओह तोड़ी ते लोकां ने तुहानूं नहीं बख्शना। जे तुहानूं सहयोग दी लोड़ आ, लखा तुहाडे नाल आ, दीप नूं आवाज मारो, जिन्ने बंदे चाहीदे आ असीं अंदोलन च पहुंचदे आ। जे तुहाडे कहे ते दीप ना आवे ते फिर वीर दविंदर तुहाडा दोषी हो सकदा, फिर तुसीं कह सकदे जे वीर दविंदर दोषी आ। जे किसानां वास्ते माण दी गल सी तां पट्टी काली मेरी टी शर्ट दे विच वी सी, पर जे सर्वोच्च सर्वोत्तम आ ते ओह केसरी आ, वो निशान साहब आ जिन्हां नूं इन्हां ने साड़िया। अगन पेंट कहिंदे असीं कीता, संस्कार कर दिता, मामले नूं दब दिता। क्या मामले नूं दबा दिओ, क्योंकि इस मामले की कोई गल नहीं। मामला गुरु ना जुड़िया, मामला केसरी निशान साहब ना जुड़िया, इहदी कीहड़ी गल है? क्यों? क्योंकि अंदोलन दे विच जिन्हां दे पैरवाई करनी आ उन्हां नूं ज़्यादातर लोग कामरेडी कहिंदे ने। मैं नहीं कहिंदा, मैं सुनदा ज़्यादा, पर लोग कहिंदे ने। जे कहिंदे ने ते कहिंदे कि जिहड़ी गल कही जांदी उह एवें तां कह नहीं दिंदा कोई, उह गल दा कोई तंत हुंदा ते तां ही लोग उहनूं कहिंदे ने। अज जे किसान नेतावां नूं लगे कि उन्हां नूं होर जनता की लोड़ आ, होर कठ की लोड़ आ, जदों मर्जी एक वीडियो पा देण कि दीप सिद्धू साडे कोल आवे, धरने दे विच आवे, तां मेरे हिसाब नाल उत्थे पहलां दी तरह मेले लगणगे, उत्थे पहलां दी तरह भांत भांत दे लंगर, भांत भांत दी दुनिया, और सेंटर तक एक सुनेहा जाएगा। करोना जिहड़ा है, करोना यह सिर्फ आ जिहड़े आ महीने एक दो हैगे ने, हुण मौसम बदलेगा, एक जदों गांह चौं महीने बाद मौसम बदलना उदों, या करोना दे केस वधने वधने, क्योंकि यह नॉर्मल एक जिहड़ा हैगा इनफेक्शन फ्लू की तरह, यह भी इन्हां दिनां दे विच ज़्यादा स्ट्रोंगली आण के अटैक करता। हुण दोस्तों धरना जदों दा लगा होया उदों तों लैके हुण तक किसान जथेबंदियां यह नहीं कह सकदियां कि सारे बंदे उन्हां दे ही आ। दीप सिद्धू नूं प्यार करन वाले जदों उत्थों कॉल करदे ना, बाई तैनूं वीडियो कॉल करदे आ, उदों माण महसूस हुंदा कि लोग लखे वास्ते भी बैठे ने, लोग दीप वास्ते भी बैठे ने। ते आपां दीप सिद्धू की गल तां करदे आ क्योंकि बंदे ने जेल कट्टी आ 2 महीने। एक वीर कहंदे जे कितें दीप गलत होया जां फिर उहने रवायती पार्टियां नूं सपोर्ट कीती, तां देखो आपां तां इक गल कहिंदे आ, पहली तां गल उह रवायती पार्टियां नूं सपोर्ट करदा नहीं। ते जे दीप ने रवायती पार्टियां नूं सपोर्ट कर भी दित्ती तां जितना तां रवायती पार्टियां ने, होर तां किसे ने जित नहीं लैणा। साडा इन्ना क मंतव होगा भी असी चुप करके पैर पछां खिच के पिछे नूं तुर आवांगे, नाल दिआं नूं कहांगे कि भाऊ बंदा अपना गलत हो गया जी, इन्नी कु गल अहीं कर सकदे हां। इहदे तों वध तां अपनी औकात नहीं। सोशल मीडिया ते बनाया जो तुसीं बनाया, ताडे सदका ही मैं बनिया। जे तुसीं वीडियो शेयर करदे जे ते 4 बंदिआं तक पहुँच जाती आ, नहीं शेयर करदे वेखदे रहिंदे जे ताडे तक सीमित हुंदी आ ते खत्म हो जाती आ। जिहड़ी प्रायोरिटी आ उह बेस ऑफ पीपल आ, कि जिन्ने लोग ज़्यादा लाइक करते ने शेयर करते ने गांह वीडियो तुर जाती है। पर कढ़िया की ते पाया की, आपां इस गल बाबत जदों आपां अंदाजा मारदे आ ना, ते असीं 400 तों उत्ते लाशां पाईआं ने, अपनी आत्मा नूं कढ के मोर्चे दे विच पाया, यह कढ़िया ते यह पाया इस अंदोलन दे विच। साडी आत्मा अंदोलन च तुरी फिरदी आ, भावें असीं घर भी होईए।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਸੱਜਣੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ MLA ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਹਿਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਂ MLA ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੇੜ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਹਰ ਬਣੀ ID 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।